कैसे इसकी शुरुआत हो और कैसे इसका समापन हो। तो आपका दिन, चाहे आप परेशानी आए भी आपको, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि बहुत बेकार मेरा टाइम चल रहा है और मैं बहुत बेकार आदमी हूं, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता। पशु, पक्षी, वृक्ष या मनुष्य, इन सब पर यह नियम लागू होता है। आज हम बात करेंगे हम किस प्रकार से अपने दिन को तैयार करें, अपने काम को तैयार करें, कैसे इसकी शुरुआत हो और कैसे इसका समापन हो। इस कार्य में सबसे पहले आप यह समझना कि जब आप सुबह उठते हो उस समय आपकी मन स्थिति क्या है, आप सोच क्या रहे हैं उस समय। यदि आपने उठते ही परेशानी के बारे में सोचना शुरू कर दिया, समस्याओं के बारे में सोचना शुरू कर दिया, या किसी बात को लेकर दुखी हो गए, तो आप चाहे किसी भी प्रकार का काम कर रहे हो, कैसा भी आपका जीवन हो, आप पाओगे कि आपका जो दिन है वो बहुत दुखदायी होगा, बहुत परेशान करने वाला होगा। अब ऐसा होता क्यों है? आपने देखा होगा कि हम जब भोजन बनाते हैं, और यदि कई बार जब हम नमक आगे पीछे कर देते हैं, तो कितना भी अच्छा भोजन आपने बनाया हो, कितनी भी अच्छे उसके अंदर आपने सामग्री डाली हो, सब्जियां डाली हो, दुनिया भर के आपने मसाले डाले हों, यदि नमक आगे पीछे हो जाएगा तो आपका भोजन खराब हो जाता है। नमक बहुत थोड़ा सा है लेकिन सारी चीज को खराब करने की क्षमता रखता है। ऐसे ही आप इस बात पे थोड़ा विशेष ध्यान देना, जब आप सुबह उठते हैं उस समय आप क्या सोच रहे हैं, आपकी मनस्थिति क्या है, ये नमक की भांति काम करती है पूरे दिन पर। यदि आप सकारात्मक रहे तो आपका दिन, चाहे आप परेशानी आए भी आपको, आप बहुत अच्छी तरह से उसको हैंडल कर लेंगे, आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। लेकिन यदि आपकी सोच है या आपका जो मन है वो दुखी था आरंभ में ही, शुरुआत में ही, सुबह सुबह, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम होगी वो आपके ऊपर ऐसे लगेगी जैसे बहुत बड़ा पहाड़ आपके ऊपर गिर गया हो। तो हमें करना क्या है, जब आप सुबह उठते हैं शरीर से पहले आपका मन और विचार, इसके ऊपर ध्यान जाना चाहिए। मैं बार बार इस बात को आपको दोहरा रहा हूं, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो, आप बहुत बेकार जीवन जीते हो, आप बहुत गलत जीवन जीते हो, बिल्कुल डिसिप्लिन है ही नहीं, ना हेल्थ है, ना परिवार है, ना प्रेम है, ना पैसा है, कुछ भी नहीं है, आपको लगता है कि बहुत बेकार मेरा टाइम चल रहा है और मैं बहुत बेकार आदमी हूं, ऐसी स्थिति में भी आपने सुबह अपने बारे में खराब नहीं सोचना, गलत नहीं सोचना, बुरा नहीं सोचना। आप आंख बंद किए अपने बिस्तर पर लेटे रहो और वो बात सोचो जो आपके लिए प्रिय हो, आपको प्रसन्न करती हो और जहां आप हैं वहां से आगे बढ़ाती हो। तो ऐसा विचार आपको उत्पन्न करना पड़ेगा जो आपके लिए ग्रोथ भी देता हो, आपको आगे गति भी देता हो, बढ़ाता हो, और साथ ही साथ आपके लिए सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी सोच लें, गलत सोच के बैठ जाएं, तो गति तो आप सोच रहे हैं कि आगे बढ़े, लेकिन गलत तरीके से अगर आप सोच रहे हैं तो फिर आपको बाद में जाके नुकसान होगा। तो यहां पर बहुत बड़ा काम नहीं है, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। शुरुआत में आपने अपने विचार का ध्यान रखना है, उस विचार से मन की स्थिति तैयार होगी, वो बनेगी, या तो वो पॉजिटिव बन जाएगी या नेगेटिव बन जाएगी, यही दो चीजें होंगी आपके मन के साथ। तो ज्यादा अच्छा है कि आप उसको पॉजिटिव बनाइएगा, उस प्रकार से सोचो, अपने भोजन के बारे में सोचो कि जी आज ऐसे ऐसे मैं अच्छा भोजन करूंगा, वो अच्छा भोजन कुछ भी हो सकता है। फिर आप ये सोचो कि काम क्या करना है, जो व्यक्ति काम नहीं कर रहा फिर चाहे वो कुछ भी सोचता रहे,
जीवन आगे नहीं बढ़ेगा। तो काम तो अवश्य करना पड़ेगा, कुछ भी हो। चाहे तो आप ये सोचें कि जी आज मेरा काम है शांति से 5 घंटे बैठना है, ये भी काम है। पर सोचो, इसका विचार करो, दिन को तैयार करो। यहाँ पे दो पहलू बन जाएंगे, आपने अपने विचारों के माध्यम से दिन को तैयार किया, फिर एक है प्रकृति का नियम, वो कुछ भी बदलाव करती रहे उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना। आपने ये नहीं सोचना कि जी मैं तो कुछ सोच रहा हूं, हो कुछ रहा है, होने दो, बिना ये किए भी ऐसे ही होने वाला है। अभी आप थोड़ा और इसको बारीकी से समझना, जब आप अपने विचार तैयार करते हैं तो इसमें आपकी क्षमता, आपकी बुद्धि और आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, उसका पता चलता है। इसको ऐसे ही बनाए रखना और इसको बढ़ाते रहना। जो प्रकृति का नियम है या दैविक नियम है, कुछ भी हो सकता है। आपने सोचा कि बाहर जाऊंगा, आज किसान बाहर जाऊंगा, खेती करूंगा, पर दैविक नियम है कि आज बारिश होनी है और बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, तो जो आपने सोचा उसके विपरीत घटना घट गई, बिल्कुल अगेंस्ट एक्टिविटी हो गई है। अब यहां पर भी आप कैसा विचार लेके आ रहे हो, हार का विचार लेके आ रहे हो, समस्थिति में हो, या और कुछ नया सोच रहे हो। अब ये सोच रहे हो कि जी मैंने इतना अच्छा सोचा, किसी का बुरा नहीं किया, खेत पे तो काम करने वाला था लेकिन देखो भगवान ने बारिश कर दी, ये एक विचार है। या फिर आप और आगे का सोचते हो, अपने मन को और मजबूत बनाते हो कि आज मैंने विचार किया कि मैं खेती करता लेकिन बारिश होगी, हो सकता है कि कहीं पर पानी की आवश्यकता हो, हो सकता है कोई जीव जंतु प्यासा हो, उसको पानी मिल गया, मैं अपने कार्य को कल और बेहतरीन तरीके से करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। एक छोटी सी कहानी हम समझेंगे। एक गांव में दो बच्चे एक गुरु से ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, तो गुरु ने उनको ज्ञान दिया और बताया कि इससे पहले कि तुम शहर जाओ, अपना कार्य करो जीवन का, कुछ समय के लिए मंदिर जाना है और पुष्प चढ़ाने हैं। तो दोनों प्रतिदिन उठते, फूल लेते और मंदिर में जाके चढ़ाते। एक दिन बहुत बारिश हुई, बहुत तूफान, ऐसी स्थिति बन गई कि घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। इसमें पहला व्यक्ति तो रुक गया, वो नहीं गया। दूसरा, उसने सोचा कि जब मुझे कार्य दिया है और अब मेरे लिए फेवरेबल नहीं है सिचुएशन, लेकिन मेरा नियम है, ये मुझे ज्ञान दिया गया है, आज्ञा दी गई है, मुझे इसको पूरा करना चाहिए, इसमें चाहे भले ही कोई नुकसान होता हो मेरा। तो उसने अपने को तैयार किया और किसी ना किसी तरह वो मंदिर पहुंचा, उसने वहां फूल चढ़ाया भगवान को और वापिस आया। कुछ समय बाद दोनों शहर की तरफ निकल गए, अपना अपना काम किया और लगभग 5 साल बाद वापिस आते हैं। अब यहां पर एक बड़ा आश्चर्य, जो व्यक्ति उस तूफान में फूल चढ़ाने गया था वो बहुत सफल हो गया, बहुत आगे बढ़ गया, और जो व्यक्ति उस दिन मिस कर गया, वो काम तो किया उसने, अच्छा भी हुआ, लेकिन अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो 1,00,000 गुना आगे बढ़ गया है और एक की स्थिति बड़ी दयनीय है। दोनों अपने गुरु के पास बैठते हैं और इस बात पर चर्चा करते हैं। अब यहां पर गुरु तो इन दोनों को बहुत बारीकी से परख रहा था और इस गुरु ने इन दोनों को उस समय बहुत अच्छी तरह से परखा जब बारिश हुई थी, जब तूफान आया था। अब गुरु इन दोनों को समझाता है कि जब समय अच्छा चल रहा है आपका, तब अच्छा काम या कोई भी काम, इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो नहीं कर सकता। पशु पक्षी वृक्ष या मनुष्य, इन सब पर यह नियम लागू होता है। क्या? कि जब अच्छा समय चल रहा है आपका तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कोई समस्या नहीं है क्योंकि समय अच्छा है। यहां पर आपका सामर्थ्य कब टेस्ट होगा, कब सामर्थ्य चेक होगा आपको, जब समय चैलेंजिंग हो गया उस समय आपको पता चलता है कि आपका सामर्थ्य है क्या। जैसे मानो कहा जाता है कि गुस्सा नहीं करना, जब सब मीठा है, सब अच्छा चल रहा है, इस समय गुस्सा करने का कोई कारण ही नहीं,
पता कैसे चलेगा आपके पेशेंस का, पता कैसे चलेगा कि गुस्सा आपके कंट्रोल में है? जब स्थिति बेकार होगी। क्या आप उस समय अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके? ऐसे ही तूफान आया, स्थिति बेकार होगी। क्या इस समय आप अपनी सेवा, अपने कर्म को कर सके? यदि हाँ, तो इससे आपकी आत्मा बल प्राप्त करती है, आपका मन बल प्राप्त करता है, मनोबल बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। और जब ये दोनों शक्तियां बढ़ती हैं, तो इस संसार में ऐसा कुछ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते। फिर से याद रखिएगा, आपने जो विचार सुबह लिया, वो आपके मन को और आपकी आत्मा दोनों को तैयार करता है। तो यदि आपका विचार सकारात्मक है और आपने अपने मन को इस प्रकार से तैयार कर लिया कि कैसा भी दिन हो, मैं अब छोड़ूंगा नहीं अपने काम को, मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ता रहूंगा, तो फिर सफलता आपको अवश्य प्राप्त होगी। आप कुछ भी कार्य करते हो, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं छोटा काम करता हूं, कुछ भी कार्य करते हो आप सफल होंगे, आपको सक्सेस अवश्य प्राप्त होगी। तो करना क्या है, फिर से आ जाइए, आपकी जो बिगनिंग है, सुबह की जो शुरुआत है, वो आपने बहुत ध्यान से करनी है, अच्छा विचार लेना है और फिर आगे बढ़ना है। कुछ भी हो जाए दिन में, आप रुकेंगे नहीं। ये कहानी याद रखनी है, फूल की कहानी याद रखनी है कि फूल चढ़ाना है, चाहे कैसी भी समस्या आ जाए, उस समय ही तो आपकी परख होगी। और ऐसे कई उदाहरण हैं, आप जब अपने इतिहास की पुस्तकों को पढ़ेंगे तो ऐसे कई उदाहरण हैं कि आप सुनते होंगे कि भगवान ने परीक्षा ली। तो परीक्षा का अर्थ ही यही है कि जब आपका समय खराब हुआ, उस समय आपका मन कैसा था। और इन सब चीजों का जब आप बहुत प्रेम पूर्वक समझेंगे, पूरी स्थिति को बड़े ध्यान से समझेंगे, तो आपको इस बात पर पूरा भरोसा होगा कि सुबह का विचार पूरे दिन को तैयार करेगा, मुसीबतें आएंगी, आपकी परीक्षा ली जाएगी, आपने रुकना नहीं है। और क्यों नहीं रुकना, उसके लिए आपको सारे जो आपके इतिहास के उदाहरण, उनको ध्यान रखना है। जब मन इस प्रकार से तैयार होना शुरू हो जाएगा, तो फिर आपका जो बीज है बहुत शक्तिशाली है, समय आने पर बहुत अद्भुत फल आपको प्रदान करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आपके और प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखें। नमो हिमालय।